हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर फर्स्ट फ्लाइट और फर्स्ट फ्लाइट से फोर मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम्स से, आप कहें फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन से हम फोर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने क्यों कहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर, आप कहें सैंपल पेपर जो जारी किया था, उसमें ये फोर क्वेश्चंस बोर्ड ने रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही इजी आपकी पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, आप कहें मुख्य विचार क्या है, इसकी थीम क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट स्मॉल थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड और वंस मूड। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार ये है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, उसका जो मूड है, उसको बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट स्मॉल थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, इन चेंजिंग वंस मूड। एक बात आप लिखें, दिस पोएम प्रेजेंट्स ए परफेक्ट सेटिंग। ये पोएम एक परफेक्ट सेटिंग को दर्शाती है। इस पोएम में परफेक्ट सेटिंग है। किस तरीके से परफेक्ट सेटिंग है? देर आर फोर एलिमेंट्स इन दिस पोएम, क्योंकि इस पोएम में चार तत्व हैं। देर आर फोर एलिमेंट्स इन दिस पोएम, दीज आर डस्ट ऑफ स्नो। ये फोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट आपका डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो गया, देन हेमलॉक ट्री हो गया, देन क्रो एंड द फोर पोएट्स मूड। फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, सेकेंड हेमलॉक ट्री, थर्ड क्रो एंड द फोर्थ द पोएट्स मूड। ये चार एलिमेंट्स हैं जो इस पोएम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट्स मूड वॉज वेरी सैड। पोएम की शुरुआत में पोएट का जो मूड था वो बहुत उदास था। पोएट जो है खुद बहुत उदास था। बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट हिज मूड वॉज टोटली चेंज। एक छोटी सी चीज आप कहें, डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो जैसे ही पोएट के ऊपर गिरते हैं, उसका मूड बदल जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फॉर हिम, एंड द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फॉर हिम, और बाकी का जो दिन है वो काम करने के लिए पोएट के पास बच जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू जो पोएम है, इसके पोएट है लेजल नॉरिस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू जो ये पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया, मुख्य बिंदु, मुख्य विचार ये है कि दैट दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज जंगल। इस पोएम के अंदर पोएट ने, लेजल नॉरिस ने, एक टाइगर जो जू में है, बिहाइंड द बार्स है, सलाखों के पीछे है, केज में है, उसकी तुलना कंट्रास्ट किया गया है। उसकी तुलना किसके साथ की गई है? विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उस टाइगर से तुलना की गई है जो टाइगर अपने वास्तविक निवास स्थान यानी के जंगल में रहता है। दोबारा से देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट टाइगर इन द जू जो पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया यह है कि दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि ये जो पोएम है ये एक जू के अंदर जो टाइगर है, चिड़ियाघर के अंदर जो टाइगर है, उसकी तुलना अपने वास्तविक परिवेश में, अपने वास्तविक घर में, टाइगर का जो वास्तविक नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होगा? जंगल होगा। तो इन दो प्रकार से टाइगर्स की जो है तुलना की गई है। अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज जंगल। दाउ दिस पोएम, दाउ इन दिस पोएम लेजल, यहां आप इन लगाएंगे, दाउ इन दिस पोएम
थ्रू दिस पोएम इन नहीं लगाना आप ध्यान रखिए, थ्रू दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस, फ्रीडम इज ऑलवेज प्रेशियस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस बन सकता है, या तो आप लिखें थ्रू दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस, और या आप दाउ से भी बना सकते थे, दाउ इन दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस, बट द टाइगर इन द जू इज नॉट एबल टू एंजॉय इट्स फ्रीडम, इज नॉट एबल टू एंजॉय हिज फ्रीडम, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप यहीं पर ध्यान रखिए, थ्रू दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस, थ्रू दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस। इस पोएम से, इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है लेस्ले नॉरिस, वो ये बतलाना चाहते हैं कि जो फ्रीडम है, आजादी है, वो प्रीशियस है, बेशकीमती है, बहुमूल्य है। थ्रू टी एच आर ओ यू जी एस, थ्रू दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस, देन द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है, फर्स्ट जो है जू से, चिड़ियाघर से जंगल में पहुंचती है, वर्णन करती है, दर्शाती है, और उसके बाद में बैक अगेन टू द जू, और फिर दोबारा से ये जो पोएम है वो जू में, चिड़ियाघर में लौट के आ जाती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, दोबारा से बदला देते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज जंगल। थ्रू दिस पोएम लेस्ले नॉरिस वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट फ्रीडम इज प्रेशियस, फ्रीडम इज ऑलवेज प्रेशियस। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। व्हाट डज, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, पजेशंस टू पजेस समथिंग, किसी चीज पर आपका अधिकार होना, किसी चीज पर आपका कब्जा होना, किसी चीज को पजेस करना, वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन इन द पोएम द बॉल पोएम, द बॉल पोएम जॉन बेरीमन पोएट है, द बॉल पोएम जॉन बेरीमन, ये जो पोएम है इसमें इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? In the world of possessions means, या आप लिखें, it means a world full of materialistic things belonging to someone. इसका मतलब है कि भौतिकवादी वो सभी चीजें जो किसी व्यक्ति से संबंध रखती हैं. These materialistic things are considered most important in one's life. These materialistic things are considered most important in one's life. और ये जो भौतिकवादी चीजें हैं, ये भौतिकवादी संसार में, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ पजेशंस में एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। इट मींस ए वर्ल्ड फुल ऑफ मेटलिस्टिक थिंग्स बिलोंगिंग टू समवन, फुल स्टॉप लगा देंगे, दीज मेटलिस्टिक थिंग्स आर कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वन्स लाइफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वर द नेम्स ऑफ बेलिंडास पेट्स, बेलिंडा के जो पालतू जानवर थे, जो पेट्स थे, उनके क्या क्या नाम थे? द नेम्स ऑफ बेलिंडा पेट्स वर, बेलिंडा के पेट्स के पालतू जानवरों के नाम इस प्रकार से थे। आपने सबसे पहले जो नेम्स हैं वो यहां पर लिख दिए हैं, इंक ब्लिंक मस्टर्ड और कस्टर्ड, इस तरीके से, इस पैटर्न में जानबूझकर हमने लिखा है ताकि स्टूडेंट्स लर्न कर पाए, इजिली लर्न कर पाए, याद रख पाए। इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, अब इंक क्या है? इंक किटन है, इंक किटन है, ब्लिंक माउस है, मस्टर्ड डॉग है, और कस्टर्ड ड्रैगन है। फिर इनकी क्वालिटीज आप कहें एडजेक्टिव्स लगाए गए हैं, फॉर एग्जांपल इंक का जो कलर है वो ब्लैक है, इंक ब्लैक किटन, ब्लिंक का कलर ग्रे है, भूरे रंग का है, ब्लिंक ग्रे माउस, मस्टर्ड का जो कलर है वो येलो है, मस्टर्ड येलो डॉग, और कस्टर्ड की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो कोवर्ड है, कोवर्डली ड्रैगन। तो इस तरीके से आप ये लर्न कर लेंगे और जल्द ही आपकी सैंपल पेपर के अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन के आंसर के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।